देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी नेशनल हाईवे 33 पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रक है जो बांस से लदा हुआ है। यह यहाँ पे लोगों के अनुसार कहा जा रहा है कि यह ट्रक डिंगना रोड की तरफ से आ रहा था और अचानक से अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के बाद एक स्कूटी पर जो सवार लोग थे उन्हें आकर टक्कर मार देता है, जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिलती है यहाँ पर भीड़ का एक जमावड़ा लग गया है। स्थानीय थाना जो है वो भी पहुंचे और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे घटना की जांच कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है इस वक्त। आए दिन नेशनल हाईवे 33 पर ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। सामने में देखिए ये स्कूटी पड़ा हुआ है, यही स्कूटी जो ट्रक था ये अनियंत्रित होकर स्कूटी पर ही आकर के टक्कर मारता है, जिसके बाद आप स्कूटी की स्थिति देख सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से यहाँ पर दुर्घटना हुई है। लेकिन फिलहाल अभी इसमें इसकी स्थिति क्या है यहाँ के आसपास के लोगों से हम जानेंगे और बताएंगे कि जो उस वक्त जब ट्रक अनियंत्रित होकर यहाँ पर आया था तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह सड़क दुर्घटना किस प्रकार से हुई थी। क्या हुआ था, क्या मामला था? मामला ये था कि हम यहाँ पर चाय पी रहे थे। चाय पी के जैसे हम निकलने का कोशिश किए, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके घुमा ही रहे थे, अचानक से देखे पीछे से एक मतलब एकदम अनियंत्रित ट्रक जो है ना एकदम मेरे सामने चले आया। तो घुमाते अगर हम गाड़ी घुमाते रहते थे तो हम भी इस गाड़ी के साथ मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता, हमको गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा। गाड़ी में कौन कौन से लोग सवार थे? हम तो गाड़ी में अकेले ही थे ना। आप अकेले थे? हाँ। तो ट्रक कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ट्रक तो भाई पार्टी चौक है, इधर से आ रहा था। अब उस तरफ से आ रहा था एक इधर से आ रहा था, लेकिन एक बैग सामने आया तो समझ में नहीं आया इधर किधर से आ रहा था। गाड़ी आपका था? ड्राइवर सवार थे, उसकी स्थिति क्या है अभी नहीं पता। यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है, साथ ही देख रहे स्थानीय जो पुलिस स्टेशन से यहाँ पे पुलिस कर्मी भी मौजूद है, तो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है अभी? सब देखिए ड्राइवर को तो पकड़ लिया है। और इसमें किसी भी इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ? नहीं, हम नहीं बोल सकते। उधर एक दो आदमी घायल हुआ लेकिन हमको पता नहीं, हम तो अपने गाड़ी के पास में लगे हुए, गाड़ी नया कैसे मिलेगा जानकारी है नहीं, हमको जानकारी नहीं है। तो देखिए इनका कहना है कि ये अपने राइट साइड पे ही खड़े हुए थे और ट्रक अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड पे आ गई है। तो यहाँ जो लोग अब सड़कों पर चलते हैं वो तो सुरक्षित नहीं है, साथ ही जो सड़क के किनारे अगर कुछ सामान वगैरह की खरीदारी भी कर रहे हैं या चाय भी पी रहे हैं तो वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो भारी वाहन है वह काफ़ी तेज़ गति से इस सड़क पर वाहनों को दौड़ाते हैं और आए दिन ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएँ सामने आती है। देखते ही देखते यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो गए। सामने में जो ट्रक है ये ट्रक पीजी लिखा हुआ यानी कि छत्तीसगढ़ की गाड़ी है और इस पर पूरा बांस लदा हुआ है। जरा सोचिए कि अगर गाड़ी अनियंत्रित होकर किसी इंसान पर चढ़ जाती तो यहाँ की स्थिति कितनी ज्यादा भयावह होती। क्या लगा फिलहाल यहाँ पे भीड़ को काबू करने के लिए और जो भी लोग हैं यहाँ पे स्थानीय थाने से तुरंत में लोग जितने भी पुलिसकर्मी थे वो मौजूद हुए और यहाँ पे भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं खासकर हाईवे पे होती रहती है। यहाँ पे जो सड़कों पर लोग चलते हैं वह तो सुरक्षित नहीं है, साथ ही अगर साइड में कोई कुछ सामान की खरीदारी कर रहा है या फिर चाय ही पी रहा है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यह रूट जिस रूट पे ट्रक आया है यह पूरी तरीके से अपोजिट साइड है। खैर सौभाग्यवश स्कूटी पर जो सवार जो थे जिन्होंने अभी बाइट दिया वह अभी सुरक्षित है, लेकिन अगर जरा सी लापरवाही होती तो कोई भी इस भारी वाहन की चपेट में आ सकता था और एक भारी सड़क दुर्घटना यहां पर घट सकती थी।